हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एससी वर्मा चैप्टरशिप फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम 6। इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए में क्या है कि एक ब्लॉक एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, इंक्लिनेशन का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और अप द इंक्लाइन हमें ब्लॉक को मूव करना है, तो कितना फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, यही हमें फाइंड करनी थी। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है इस केस में, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ जो वैल्यू दी हुई है हम नोट डाउन कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू दी हुई है आपको 0.2, और मास ऑफ द ब्लॉक भी दी हुई है, मास ऑफ ब्लॉक एम से डिनोट करते हैं, ये 2 kg है, ठीक है। तो कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स इस प्रॉब्लम में अप्लाई हमें करना पड़ेगा बॉडी को अप द इंक्लाइन मूव करने के लिए, ठीक है। तो लिमिटिंग केस में देखिए, अगर हमारा लिमिटिंग केस की बात करें और एन हमारा नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स है, तो इन केस ऑफ मतलब जस्ट हमें ब्लॉक मूव करनी है, ठीक है, इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इफ एन इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स then static friction friction will be कितना हो जाएगा, देखिए एफ एस से अगर डिनोट करें स्टैटिक फ्रिक्शन को, तो म्यू एस टाइम्स नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, यही होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए, हमें ब्लॉक को अप द इंक्लाइन मूव करना है, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डाउन द इंक्लाइन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो एफ एस आपका डाउन द इंक्लाइन एक्ट करेगा। दूसरा देखिए, एमजी का अगर कंपोनेंट हम देखें, तो एक तो एमजी का कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी कॉस 30 डिग्री इधर एक्ट करेगा, और इस डायरेक्शन में आपका अलोंग द इंक्लाइन बट डाउन द इंक्लाइन, ये एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में। अब देखिए, ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, तो फोर्स का भी कंपोनेंट अगर हम देखें, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका इस साइड फोर्स है, एफ इधर लग रहा है, तो अप द इंक्लाइन एफ कॉस 30 डिग्री एक्ट करेगा, और एम जी कॉस 30 डिग्री के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एफ साइन 30 डिग्री, ठीक है, एफ कॉस 30 और एफ साइन 30। तो अब हम बॉडी के मोशन को एनालाइज करते हैं, क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, मोशन ऑफ ब्लॉक फोर्सेस आर, पहला फोर्स आपका हो गया एम जी डाउनवर्ड्स, वेट जो है ब्लॉक का एम जी डाउनवर्ड्स, ठीक है, इसमें हमने एज्यूम किया फोर्स एफ है, ठीक है, तो यहां लिख नोट कर लेते हैं, लेट एफ बी द अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ठीक है टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइन, मूव द बॉडी अप द इंक्लाइन, ठीक है, अप द इंक्लाइन।
एम जी का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और दूसरा फोर्स आपका क्या एक्ट कर रहा है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एम, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में करेगा, नॉर्मल टू इंक्लाइंड, नॉर्मल टू इंक्लाइंड। थर्ड फोर्स आपका हो गया अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स एफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और क्या फोर्स एक्ट कर रहा है आपका, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इक्वल टू म्यू एस टाइम्स नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, क्योंकि बॉडी को अप मूव होना है, उसकी टेंडेंसी रहेगी अप मूव होने की, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए हम फोर्स कंपोनेंट ले लेते हैं, टेकिंग फोर्स कंपोनेंट, नॉर्मल टू इंक्लाइन, ठीक है। फिगर देखते हैं, तो आपका देखिए नॉर्मल टू इंक्लाइन अगर हम बात कर रहे हैं, तो एन और एम जी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो एन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस 30 डिग्री प्लस एफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्मल टू द इंक्लाइन के डायरेक्शन में, इसे हम इक्वेशन वन एज्यूम कर लेते हैं। अब फोर्स कंपोनेंट हम क्या करेंगे, अलोंग द इंक्लाइन और पैरेलल टू द इंक्लाइन ले लेंगे, टेकिंग फोर्स कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। इस डायरेक्शन में देखिए बॉडी को मूव होना है अप, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका एफ कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और बाकी फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो एम जी साइन 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साइन 30 डिग्री, और फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस टाइम्स एन, और एन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ऊपर मूव करके इसको करते हैं आपका, अब यहाँ देखिए आपका n की वैल्यू हम 1 को यूज करके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया f cos 30 डिग्री इक्वल टू एम जी साइन 30 डिग्री प्लस म्यू एस, और n की वैल्यू हो जाएगी एम जी cos 30 डिग्री प्लस f साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये कैसे आया हमारा, यूजिंग वन, ठीक है। और यहां से हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एफ को एक साइड ले जाते हैं, एफ कॉस 30 डिग्री माइनस म्यू एस साइन 30 डिग्री इक्वल टू बच गया आपका एम जी, कॉमन ले लेंगे एम जी, तो साइन 30 डिग्री प्लस म्यू एस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमें एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन 30 डिग्री प्लस म्यू एस कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री माइनस म्यू एस साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री से अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एम जी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो वन प्लस म्यू एस
कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होगी, डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिवाइडेड बाय sin 30, तो cot 30 डिग्री माइनस न्यू एस। अब वैल्यू डाल देते हैं, देयरफॉर एफ इक्वल टू एम हमारा 2 kg, जी को 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 plus μs 0.2 इंटू √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 -0.2, इतना न्यूटन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 17.5 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए इतना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को अप द इंक्लाइन मूव करने के लिए, हेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी अप द इंक्लाइन इज 17.5 न्यूटन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।